राजधानी जयपुर में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो व्हाट्सएप पर अलग अलग युवतियों की फोटो भेजते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही लड़की के रेट फिक्स कर बुलवाई गई जगह पर सप्लाई भी करते हैं। आमेर थाना पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर 3 युवकों और 1 युवती को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में देह व्यापार का मकड़ जाल फैलता ही जा रहा है। पुलिस की सख्ती के चलते अब अनैतिक कार्यों में लिप्त बदमाशों ने अपना व्यापार चलाने के लिए व्हाट्सएप का सहारा लिया है। जी हां, आमेर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर 3 युवकों और 1 युवती को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एडिशनल DCP सुमन चौधरी के मुताबिक मंजीत और नीरज नाम के युवा आमेर इलाके के होटल के कमरे में ठहरे थे और उन्होंने व्हाट्सएप पर बने VIP स्कॉर्ट्स नामक ग्रुप से 1 युवती को बुलवाया था। व्हाट्सएप पर दोनों युवकों को कई युवतियों की फोटो भेजी गई थी, जिनमें से दोनों ने 1 युवती को पसंद किया था। लेकिन गिरोह से जुड़े जब दूसरी लड़की लेकर होटल पहुंची, तो मंजीत ने फोटो वाली लड़की नहीं भेजने के कारण रुपए देने से इनकार कर दिया। इसी विवाद के कारण तीनों युवकों ने मंजीत पर सरिये से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इसके बाद मंजीत के भाई ने आमेर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस टीम ने आमेर थाने ने बहुत ही तत्परता से इसमें कार्रवाई की और गाड़ी का नंबर या लोगों से थोड़ी बातचीत करके इस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि ये कैलाश टूडी, मुकेश चौधरी और राकेश मीना नाम के 3 लड़के थे जो कि देह व्यापार में लिप्त हैं और इनका परिवादी की तरफ से किसी लड़की को लाने की बात को लेकर के झगड़ा हुआ। जो उन्होंने चाहा वो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं था तो उन्होंने उनकी दुतुमे में हुई और फिर उन्होंने उस पर सरिये से वार कर दिया था। तो इसमें भी टीम ने फिर काफ़ी मेहनत की कि ये इसको किस तरह से पकड़ा जाए। दोबारा उनको बुलाया गया, एक बोगस ग्राहक तैयार किया गया और टीम ने अच्छा काम करते हुए इन तीनों लड़कों को और उस युवती को पकड़ा और इस मुकदमे में लिया है और साथ में पीटा एक्ट की एक कार्रवाई भी की है। आमेर थाने में मामला दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो गिरोह की परतें खुलती ही चली गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए कैलाश डूडी, मुकेश चौधरी और राकेश मीणा इस गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर VIP स्कॉर्ट्स नामक ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप पर ये कई युवतियों की अश्लील फोटो शेयर करते हैं और पसंद आने पर उसकी रेट तय कर उसे बताए गए स्थान पर छोड़कर भी आते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए स्विफ्ट कार में युवतियों की सप्लाई की जाती है। ये इसमें इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें कि लड़कियों की फ़ोटो दी जाती हैं और जो इस ग्रुप से जुड़ के कि आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, जो भी आपको लड़की चाहिए, और उसकी फिर रेट तय की जाती है और फिर ये अपनी एक पर्टिकुलर गाड़ी से ही ये लोग जो इसमें इसमें बुकिंग करता कुछ और कोई और होगा और लड़की को सप्लाई करने वाला कोई और ग्रुप होता है, लड़के होते हैं, और वो उसी लड़की को जहाँ भी वो चाहा जाता वहाँ पे उसको सप्लाई किया जाता है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई से ये तो स्पष्ट हो गया कि शहर में देह व्यापार का गोरख धंधा किस प्रकार से फल फूल रहा है। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द शहर में फैल रही अन्य गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए जिससे कि समाज को इस गंदगी से बचाया जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट।